ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड दी वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60-70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विथ को मॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगले अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है।